आरएसएस का जो शाखा वहां पर चलाया जा रहा है उसको इमीडिएटली रोकना है। अब तक 3 बार बैन हुआ है आरएसएस को, जिस कारण बैन हुआ थोड़ा देखो, कम्युनल वायलेंस करते हैं आरएसएस, इसीलिए उस आरएसएस को बैन किया है 3 बार। यूनिवर्सिटी का काम बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पर आरएसएस का शाखा चलाना नहीं है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाने के बजाय आप एक कम्युनल आइडियोलॉजी के साथ लेकर आप कर रहे हैं, ये गलत है। तीसरा क्या करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्लानिंग के तहत आरएसएस की आइडियोलॉजी, आरएसएस का जो सोच और विचार है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर थोपने की कोशिश और साजिश की जा रही है। इसके हमारे प्रदेश सूफी संत शरणों का प्रदेश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहते हैं, आप इस संस्कृति को खराब कर रहे हैं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನು ಹೋದ ಯಜ್ಞ ತಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ವಿ ಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಳಿ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ। आज गुलबर्गा के तमाम जो प्रोग्रेसिव और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सब लोग मिलकर यहाँ पर जगत सर्कल पर एक वन डे प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक का कड़गंची गुलबर्गा में जो लगातार जिस तरीके से वहाँ पर आरएसएस की आइडियोलॉजी को प्रमोट और वहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जो बीजेपी के जिस तरीके से लगातार वहाँ पर काम चल रहे हैं, तो ये इसके खिलाफ में आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों आप तमाम लोग इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहते हैं कि आरएसएस का जो शाखा वहाँ पर चलाया जा रहा है इसको इमीडिएटली रोकना है। इसको इमीडिएटली रोक कर आप यूनिवर्सिटी का काम बच्चों को पढ़ाना है, वहाँ पर आरएसएस का शाखा चलाना नहीं है। वाइस चांसलर को इमीडिएटली बर्खास्त करना है और जो लोग ये आरएसएस की ट्रेनिंग वहाँ पर कर रहे हैं इसको भी वहाँ पर रोकना है और इनके ऊपर लीगल एक्शन भी लेना है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज बहुत सारे संगठनों ने जो सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मिलकर आज धरना कर रहे हैं। ये धरना तो पहला स्टेज है, अभी बहुत सारे स्टेज बाकी है, इसलिए आज धरना कर रहे हैं कि गुलबर्गा में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाने के लिए, यहाँ शुरू करने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग लड़े हैं। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना बोलकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हुआ, सेंक्शन हुआ, हमारे किसानों ने खेत दिया, हमारे लोग जगह दिया, हमारे लोग पानी दिया, हमारे लोग जो भी रिसोर्स होना था सब दिया। हमारे मतलब क्या है, हमारा प्रदेश हैदराबाद कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, ये प्रदेश कौन सा है, यहाँ शरण सूफी संतों का जगह है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन लिंगायत आस्तिक नास्तिक हम सब लोग मिलजुल के रहे सो है, ऐसा अच्छा जगह है। यहाँ तो कभी कम्युनल वायलेंस हुआ ही नहीं है और यहाँ बहुत पहला कम्युनल लोग ने बहुत ट्राई किया है यहाँ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करने के लिए, नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, मगर इस बात का डेंजर डेवलपमेंट हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद अब 3-4 साल से वहाँ कम्युनल एटीट्यूड शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस का शाखा शुरू हुआ है और वहाँ का 3 प्रोफेसर्स गणवेशधारी होकर उन्होंने अपलोड करते हैं कहाँ, सोशल मीडिया में। हम पूछते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम इसलिए चाहते कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया तो हमारे देश का अलग अलग प्रदेश का छात्र इधर आते हैं, एम्प्लॉयज़ इधर आते हैं, वहाँ के यहाँ के कल्चरल एक आदान प्रदान हो जाता है,
एक बहुसांस्कृतिक परंपरा है हमारा देश का। हमारा देश एक संस्कृति का नहीं है, बहुसांस्कृतिक परंपरा है। देखो यहाँ ख्वाजा बंदे नवाज जयसुदराज है, बहुत बड़ा सूफी, इंसानियत का सूफी, इश्क मोहब्बत का सूफी, पहला सूफी हमारे धरती से है ख्वाजा बंदे नवाज जयसुदराज। इतना बड़ा इंसानियत का संत शरण बसप्पा अप्पा, ऐसा धरती है। इस धरती में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया तो बाहर का भी छात्रों से, उधर का भी संस्कृति इधर आता, यहाँ का भी एक संस्कृति उधर जाता, और हमारे भारत का एक बहुत्व, एक फेडरल सिस्टम और भी बढ़ जाता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और भी स्ट्रेंथन हो जाता, ये हमारा सोचता। मगर हमें अब इस बात का चिंता हुआ है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब वहाँ आरएसएस का शाखा शुरू हुआ है और वीसी उसका बेंबल दे रहे हैं। कई लोग जाकर वीसी को पूछे थे क्यों यहाँ आरएसएस का शाखा शुरू हुआ, गलत है। वीसी ने कहा आरएसएस कोई बैनर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो इंडिविजुअल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे तो कोई भी कर सकते। हम प्रश्न करते वीसी को, वीसी जी आपको मालूम है क्या नहीं, सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए एक कानून है, एक कायदा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना वहाँ का एम्प्लॉयज। आपका वो जो तीन लोग है आरएसएस का गणवेशधारी होकर कैसा आए, उनका ऊपर एक्शन लेना क्या नहीं लेना, लेना है ना, तो क्यों नहीं ले रहे हैं। और आप कहा ये कोई बैनर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपको हिस्ट्री मालूम नहीं है इस देश में, जब 1925 से आरएसएस शुरू हुआ है अब तक तीन बार बैन हुआ है आरएसएस को। किस कारण बैन हुआ थोड़ा देखो, कम्युनल वायलेंस करते हैं आरएसएस, इसीलिए उस आरएसएस को बैन किया है तीन बार। तो आप कैसा उनको सपोर्ट करते हैं, कैसा यूनिवर्सिटी में एंटर करते हैं, ये गलत है। हमने फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म, कौन सा भी हो, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी, ये गलत है। दूसरा तो कोई नहीं कर रहे मगर आप लोग उधर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरा बात आप गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ छात्रों ने पढ़ने के लिए आए हैं उनको आप कम्युनल इसमें डाइवर्ट कर रहे हैं, ये गलत है आपका। और क्या कर रहे हैं आप, जो स्टूडेंट्स उनका हकों के बारे में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर केस कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। कोविड के समय में 2 साल बर्बाद हुआ, हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स कहते हैं जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा अलग अलग यूनिवर्सिटी में 2 साल वहाँ रहने के लिए कोविड के कारण और एक्स्ट्रा दे दिया है, आप लोग क्या कहते हैं, आपका पीरियड ख़त्म हुआ, खाली करो हॉस्टल, कहाँ जाते हैं हमारे स्टूडेंट, 2 साल तो उन्होंने पूरा कोविड में गया उनका पूरा समय। तो आप उनको मदद करने बजाय उनको स्ट्राइक करने में मजबूर कर रहे हैं। अगर जब स्ट्राइक करते तब आप बाहर का पुलिस बुलाते हैं, अगर बाहर का पुलिस बुलाते हैं तो आप कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, आप कौन सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलाते हैं, बताओ। आप राष्ट्रपति के बाद अगर पहला कोई भी प्रजा है तो आप है। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलाना बोले तो कैसे चलाना, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलाना, आपके मनुस्मृति के ऊपर नहीं। आरएसएस को आप सख्त विरोध करना, वीसी जी क्यों विरोध करना, आरएसएस जब हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन अपनाए थे उस समय आरएसएस उनका ओपिनियन उनका ऑर्गेनाइजर पेपर में लिख के रखे हैं। क्या लिख के रखे, हम संविधान को सपोर्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन में मनुस्मृति नहीं है इसलिए हम सपोर्ट नहीं करते बोले। जो आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट नहीं करते बोले, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसा सपोर्ट करते, आपके एम्प्लॉइज कैसा उस गणवेशधारी बन के जाते, कैसा आप वहाँ आरएसएस शाखा चलाने को आप परमिशन देते। आप कहते होंगे वो रजिस्टर कहा हमारे ऊपर भी पेपर स्टेटमेंट दे, उन्होंने बोले ये हमारे यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर रहे हैं, वो तीन प्रोफेसर्स कहाँ गए हमें पता नहीं। प्रोफेसर तो आपके यूनिवर्सिटी का है क्या नहीं, गणवेशधारी है क्या नहीं, उन्हें ही सोशल मीडिया में अपलोड करें क्या नहीं, तो सस्पेंड करो उनको, डिसमिस करो उनको। आप ऐसा करने के बजाय स्टूडेंट्स के ऊपर आप रिवेंज ले रहे हैं, ये गलत है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। आप हम दो कारण से कड़ी विरोध कर रहे हैं, एक आप हम स्टूडेंट्स का खिलाफ काम कर रहे हैं, दूसरा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाने के बजाय आप एक कम्युनल आइडियोलॉजी के साथ लेकर आप कर रहे हैं, ये गलत है। तीसरा क्या कर रहे, हमारे प्रदेश सूफी संत शरणों का प्रदेश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मिलजुल के रहते हैं, आप इस संस्कृति को खराब कर रहे हैं, हमारे संस्कृति का धक्का पहुंचा रहे हैं, इसीलिए हम आपका कड़ी विरोध कर रहे हैं। वीसी जी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियोलॉजी के ऊपर इंस्टीट्यूशन चलाने को नहीं होता घर जाओ, आप ऐसा गलती मत करो, देशद्रोह का गलती मत करो। आप हम लोग अच्छा खुशी से है, आप कौन होते हैं, आपको लाखों लाखों रुपया पगार मिलता है, यहाँ आकर हमारे गरीब लोगों के बीच में आप कम्युनल वायलेंस डालते हैं, इसीलिए हमने आज धरना इस कर रहे हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कि
वीसी जी, आपको यूनिवर्सिटी में वीसी बनके रहना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये इंस्टीट्यूशन चलाना, शुद्ध एजुकेशन वहाँ चलाना, कम्युनल नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर बाहर का पुलिस बुलाकर अट्रॉसिटी नहीं करना, स्टूडेंट्स के ऊपर केस नहीं करना, स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद नहीं करना, स्टूडेंट्स का हित करना, उनके लिए आप सब कुछ अच्छा करना आपका जिम्मेदारी बनते हैं, माँ बाप का नहीं। माँ बाप को तो आपका हवाला करके छोड़े हैं आप, वो हमारे जो फ्यूचर है, हमारे देश का भविष्य है, उनको बचाना, उनको अच्छा पढ़ाना, साइंटिफिक वैचारिक रूप से उनको पढ़ाना आपका जिम्मेदारी बनती है। NEP के नाम पे उन वहाँ का एजुकेशन बर्बाद करने को आपका कोई हक नहीं है, ये कहने के लिए आज हम सभी ऑर्गेनाइजेशन वालों ने मिलकर यहाँ धरना कर रहे हैं। ಆದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗನ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ರು, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಗೆತ್ತು ಸರ್ आज गुलबर्गा में सारे सेक्युलर प्रोग्रेसिव दलित ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर और पॉलिटिकल लीडर्स मिलकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जो सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो एजेंडा है उसके खिलाफ हम सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के ज़रिए से जो वाइस चांसलर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो RSS का एजेंडा, ये जो फैसिस्ट का जो एजेंडा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है, इसको इमिडिएटली बंद करना है। और दलित लीडर, दलित स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को और प्रोग्रेसिव जो फैकल्टीज़ हैं उनको टारगेट कर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको इमिडिएटली बंद करना है। हम देखते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्लानिंग के तहत RSS की आइडियोलॉजी, RSS का जो जो सोच और विचार है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर थोपने की कोशिश और साजिश की जा रही है। इसके खिलाफ हम सब मिलकर आज के इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से वाइस चांसलर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को एक अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी जो जहर की जो नीति है इसको बंद करना है, वरना आने वाले दिनों में हम चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनाइज कर यूनिवर्सिटी के सामने हम प्रोटेस्ट करेंगे बोलकर हम ये चेतावनी ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೂ ದೇನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿಂದ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಸಿಗ್ತದ ನಮಗ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಸಿಕ್ಕಂಗ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ನನ್ನ ದುಶ್ಮನ್ ನೀನ್ ದುಶ್ಮನ್ ನಾವೇ ನೀವೇ ದುಶ್ಮನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್